हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। और मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी। मैंने चावल और दाल को पहले भिगो के रख दिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था। आज मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो इसलिए आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ। ये मैंने एक चम्मच घी ले लिया है, मैंने देसी घी लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से गर्म है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा और हींग ली मैंने, को अच्छे से भूनी भून लेंगे। फिर इस साइड में कर लेती हूँ अपनी। मैंने इसमें डाल लिया दाल। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। ये मैंने गरम कर लिया था पानी। आप इसमें प्याज टमाटर का भी तड़का लगा सकते हो, बट हम ऐसे सिंपल खाते हैं, मेरे घर में सबको ऐसे ही पसंद है। मैं बनने के बाद काट लूँगी, इसमें टमाटर और प्याज ऊपर से डालूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ अपने मसाले। मसालों में सिर्फ मैंने नमक और हल्दी पाउडर लिया है। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी। और मसालों में सिर्फ मैंने नमक और हल्दी डाला है, मैंने और कोई मसाला इसमें ऐड नहीं किया है। अब मैं इसे 5 से 6 सीटी लगवाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। अब मैंने गैस कर दी स्लो। अब मैं इसका वेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। और ये फ्रेंड्स मेरी बन के तैयार होगी खिचड़ी। देखिए कितने अच्छे से बनी है बिल्कुल। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। और मैंने ये डाल लिया है। और मैंने ये प्याज और टमाटर काट के रख लिए थे, और मैं ये इसमें डालूंगी अभी। प्याज डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर, आप धनिया भी डाल सकते हैं। और ये मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। मैं अपने हस्बैंड के लिए हरी मिर्ची काट दूंगी इसमें बाद में, अभी हम सभी ऐसे खाएंगे। और ये मेरी बन के होगी रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।